राधा पीएचडी कर रही थी और उसकी रिसर्च दुनिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस पर थी। इसी दौरान उसने शनिवार वाड़े के बारे में सुना। लीला, मुझे लगता है कि शनिवार वाड़ा की किला दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगह होगी। और वो क्यों? दुनिया में इतनी सारी जगह हॉन्टेड है क्योंकि आज भी वहाँ से लोगों को चीखने, चिल्लाने और मदद के लिए आवाजें सुनाई देती हैं। आज भी लोग वहाँ रात में अकेले जाने से डरते हैं। मुझे लगता है लोग बस कहानियाँ बनाते हैं, हॉन्टेड वॉन्टेड कुछ नहीं होता। फोकट की पब्लिसिटी। तू ऐसा नहीं कहती अगर तू उस किले की हिस्ट्री जानती। अच्छा, क्या है उस किले की हिस्ट्री? वो किला 1730 में सम्राट बाजीराव पेशवा ने बनवाया था। कहते हैं कि वो किला बहुत ही मनहूस था, इसलिए बनने के कुछ सालों बाद ही बाजीराव पेशवा को अपने ही बेटे नाना साहब ने उन्हें धोखा दे दिया और वो अपनी प्रेमिका से भी दूर हो गए और सदमे में मर गए। नाना साहब ने अपनी पिता की प्रेमिका को भी इसी किले में मारा था। तो मतलब बाजीराव पेशवा का भूत उस किले में है जो अपनी प्रेमिका के मौत का बदला ले रहा है? नहीं नहीं, बाजीराव पेशवा का एक पोता था नारायण राव, जो महज 17 साल का था। नारायण राव का भूत आज भी इस किले में रहता है और मदद के लिए चिल्लाता रहता है। अब उसके साथ क्या हुआ था वो तो मुझे भी नहीं पता, पर शनिवार वाड़ा का किला ही मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है और इसलिए मैं अगले हफ्ते वहाँ जा रही हूँ। होप सो जल्दी ही मेरी रिसर्च खत्म होगी और मेरे पास सारी डिटेल्स होंगी। लेकिन अगर शनिवार वाड़ा में कोई भूत ना हुआ तो पॉसिबिलिटीज है, पर मुझे लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और जिंदगी में पहली बार कुछ हॉन्टेड महसूस करने जा रही हूँ मैं। एक हफ्ते बाद राधा पुणे पहुंची और वहाँ वो अपने गाइड से मिली, विक्की। वेलकम वेलकम राधा। थैंक यू। आपको पहले होटल जाके रेस्ट करना है या सीधे शनिवार वाड़ा फोर्ट देखना है? सीधा शनिवार वाड़ा फोर्ट। मैं कब से इस फोर्ट को देखने के लिए इंतजार कर रही हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। हाँ, आपसे फोन पे बात करके मुझे लगा ही था। ठीक है, सीधा शनिवार वाड़ा फोर्ट चलते हैं। और मैंने तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन दी थी, मेरी रिसर्च के लिए मुझे एक जानकारी की जरूरत है जो मुझे सारी डिटेल्स दे सके। हाँ, मैंने प्रोफेसर कदम से बात की है, वो शनिवार वाड़ा फोर्ट के हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट है, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। थैंक यू विक्की। विक्की राधा को शनिवार वाड़ा फोर्ट ले गया। अभी दिन का समय था। शनिवार वाड़ा फोर्ट देखकर राधा दंग रह गई। दिस इज अमेजिंग, कितनी शांति है यहाँ। कौन बोलेगा कि ये एक हॉन्टेड जगह है। बस दिन के समय ही शांति होती है, रात के समय तो चीखों की गूंज सुनाई देती है। लोग इस शनिवार वाड़ा से मीलों दूर रहना ही पसंद करते हैं। रियली? आप यहाँ कुछ दिन रहोगी तो समझ जाओगी। वैसे मैंने आपके रहने का इंतजाम यहीं पास के एक होटल में किया है। आई होप तुम्हें चीखें जरूर सुनाई दे और तुम्हारी रिसर्च जल्द ही खत्म हो। फोर्ट देखकर विक्की राधा को उसके होटल ले गया। राधा फ्रेश हुई और लेटी ही थी, थकान के कारण उसकी जल्द ही आंख लग गई। अचानक आधी रात को वो डर कर उठी, उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। काका मलावाचवा, काका मलावाचवा, काका मलावाचवा, काका मलावाचवा, काका मलावाचवा, काका मलावाचवा। ये कैसे हो सकता है, मैं तो शनिवार वाड़ा से कितनी दूर हूँ, यहाँ वो आवाजें कैसे आ सकती हैं? राधा डर गई थी। वो खिड़की से बाहर झांकने लगी तो उस रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। बस इतना समझ पाई कि वो आवाजें किले की ओर से आ रही थीं। अगली सुबह विक्की राधा को पिक करने आया। तो राधा जी, कैसी थी कल की रात? नींद तो अच्छी आई होगी? मैंने कल वो आवाज सुनी, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, मैंने खुद सुना, वो आवाजें किले की ओर से आ रही थी।
पता है बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता। खैर, आपकी बाकी की कंफ्यूजन हमारे प्रोफेसर कदम दूर कर देंगे। आज हमें उनसे मिलना है। विक्की राधा को प्रोफेसर कदम के घर ले गया। हाय राधा जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं प्रोफेसर? ऑल फाइन। हॉन्टेड प्लेस पर रिसर्च करना यही मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपका शनिवार वाड़ा फोर्ट सेलेक्ट किया है। क्या तुम्हें वहाँ कुछ हॉन्टेड महसूस हुआ? आई एम नॉट श्योर, बट कल मैंने वो चीखे सुनी। आई वॉज शॉक्ड, अब तक किसी हॉन्टेड प्लेस में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शनिवार वाड़ा पेशवा बाजीराव ने बनाया था, उनके बाद उनके तीन बेटे थे, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। पेशवा बाजीराव के मरने के बाद राजगद्दी उनके बड़े बेटे विश्वास राव को मिली, पर ये बात पेशवा बाजीराव के भाई रघुनाथ राव यानी रघोबा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में विश्वास और माधव राव मारे गए। अब बचे थे केवल नारायण राव, जो महज 17 बरस के थे। रघोबा को लगा कि नारायण राव के मरने के बाद राजगद्दी उनकी हो जाएगी, और इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। पर इस बात की भनक नारायण राव को लग गई थी, और उन्होंने अपने चाचा यानी काका को इसी वाड़े में नजरबंद करवाया। राघोबा की पत्नी से ये सब देखा नहीं जा रहा था, उसने बदला लेने का सोचा और गणपति विसर्जन के जश्न में कातिलों को बुला लिया। रात के अंधेरे में वो कातिल नारायण राव के कमरे में घुस गए। नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते रहे, वो चीखते रहे, काका मलावाचवा, मतलब चाचा मुझे बचाओ। कातिलों ने नारायण राव की गर्दन काट दी और फिर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में बहा दिए, और तब से नारायण राव की आत्मा इसी किले में रहती है। क्या नारायण राव की आत्मा कभी इस किले को छोड़कर नहीं जाएगी? कई लोगों ने प्रयास किए इस आत्मा को मुक्ति दिलवाने की, कई पंडित और कई मशहूर रिसर्चर्स ने भी कोशिश की, पर शायद नारायण राव की आत्मा यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। ऐसा क्यों? वो तो पता नहीं। क्या आपने उनकी आत्मा को देखा है? देखा तो नहीं है, पर कई कहानियाँ जरूर सुनी है, और हाँ उनकी आवाज मैंने भी सुनी है। मुझे देखना है। ये बहुत रिस्की हो सकता है। मुझे पता है सर, पर फिर भी मैं देखना चाहती हूँ। तुम देखना चाहती हो तो मैं रुकूंगा नहीं, पर सावधान रहना। जी सर। उस रात राधा अकेले किले में रुक गई। आधी रात को उसने चिल्लाने की आवाजें सुनी, पैरों की थाप थाप, जैसे कोई भाग रहा हो। राधा को ऐसा लगा कि जैसे उसके बगल में कोई है, पर जब वो मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। राधा डर के मारे घबरा रही थी। एक साया राधा के आसपास घूम रहा था। राधा ने बहुत कोशिश की कि वो आत्मा को देख सके, पर वो देख नहीं पाई। अब राधा को यकीन हो गया कि वहाँ कोई न कोई जरूर है। राधा किले के बाहर दौड़ पड़ी। उस आत्मा ने राधा को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर अपने होने का सबूत जरूर दिया। अगले दिन राधा होटल गई और उसी शाम वापस चली गई। राधा की रिसर्च पूरी हो चुकी थी। अब भी अक्सर उसे शनिवार वाड़ा की वो रात याद आती है। वो डरावनी चीखें और सहम जाती हैं। शायद इसीलिए शनिवार वाड़ा दुनिया के सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल है।